11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन से झुलसा फर्नीचर का ट्रक, लाखों का फर्नीचर हुआ खाक, ड्राइवर ने बमुश्किल बचाई जान। जनपद सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात इलाके के चिलकाना रोड स्थित सेंट मैरिज एकेडमी के सामने उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सड़क पर जा रहे फर्नीचर से भरे ट्रक का ऊपरी हिस्सा सड़क के बीचों बीच से गुजर रही 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे ट्रक में भरे फर्नीचर में आग लग गई। ट्रक में आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने कूद कर बमुश्किल अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि ट्रक में आग लग जाने के बाद क्षेत्र के लोगों ने ट्रक में भरे फर्नीचर को काफी जद्दोजहद के बाद नीचे उतारा, वरना जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। क्षेत्र वासियों का कहना है कि पूर्व में भी कई बार विद्युत विभाग से शिकायत कर चुके हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विद्युत तार नीचे लटके हैं, सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर खुले हैं, विद्युत पोल पर लगे बॉक्स भी खुले हुए हैं, लेकिन लगातार विद्युत विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही से कभी भी इस क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े हादसे हो सकते हैं। क्षेत्रीय जेई और विद्युत कर्मचारियों की उदासीनता भी इस क्षेत्र के लोगों को कभी भी भारी पड़ सकती है। अब देखना होगा इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी इस क्षेत्र के संबंधित विद्युत कर्मी कुंभकर्णी नींद से जागते हैं या किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं। वो टायर से पड़े हुए थे अगे तक निकलना उठ गया।